I finally completed Gintama, and it's my favorite anime now. Hi. Yep, I am back, and आज की वीडियो है एक रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट एनिमे विच आई फिनिश्ड गिंतामा. मेरे हर रिव्यू वीडियो की तरह इस वीडियो में भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं. अच्छे बुरे दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, एंड अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि मुझे गिंतामा कैसा लगा. लेट्स बिगिन. गिंतामा एक शोनन एनिमे है. ऑनेस्टली स्पीकिंग तो शोनन जॉनरा से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था. वही होता है हर सीरीज में, लेकिन गिंतामा इज़ द मोस्ट यूनिक शोनन एनिमे आई एवर वॉच्ड. गिंतामा इज़ अ कैरेक्टर्स ड्रिवन एनिमे विच कंसिस्ट्स ऑफ 369 एपिसोड्स एंड 3 कैनन मूवीज. मांगा में आई थिंक 700 समथिंग चैप्टर्स है इसके. द मांगा इज रिटन बाय हिदेयाकी सोराची. दिस गाय इज़ अ फकिंग जीनियस भाई. आई टेल यू वाई इन द लेटर हाफ ऑफ द वीडियो. गिंतामा शोनन के साथ साथ एक कॉमेडी एनिमे, बट कॉमेडी के साथ ही गिंतामा में एक सॉलिड प्लॉट भी है, जो कि कैसा है मैं बाद में बताएगा. एक छोटे से सिनॉप्सिस की बात करें तो चार मेन कैरेक्टर्स है इसमें. एक्चुअली दैट्स अ कैप. गिंतामा में सभी मेन कैरेक्टर है, फिर भी लीड कैरेक्टर्स चार हैं. गिंतोकी, शिनपची, कागुरा, सदाहारू, जो कि मिलते हैं समहाउ एक दूसरे से, एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस कॉल्ड योरोजुआ. एक्चुअली तीन लोग ही करते हैं, बट सदाहारू बाद में आता है, वो तुम देख लेना. इंग्लिश में ऑड जॉब्स. द स्टोरी सेट्स इन एडो, जो कि आज के टाइम का टोक्यो है, एंड यहाँ पे योरोजुआ पैसों के लिए कुछ भी करने वाले लोग होते हैं. कुछ भी मतलब वैसा मत समझ लेना, नॉट लाइक दैट, बट वो एरेंट्स वो सब दुनिया भर का कर सकते हैं. ये दैट्स द टाइप ऑफ शिट दे डू. ऊपर से देखो तो दिस इज ऑल गिंतामा इज अबाउट. अब बात करते हैं इसके अच्छे एंड बुरे चीज़ों के बारे में. अच्छी चीज़ों में जो सबसे पहले आता है वो है इसका कॉमेडी. गिंतामा इज फनी एज फक. हाँ, आई अग्री कि बहुत जोक समझ नहीं आते हैं, क्योंकि वो या तो ऐसे शोज के रेफरेंस होते हैं जिसको नहीं देखा है हमने, या फिर वो ऐसे रेफरेंस होते हैं जिसको सिर्फ जैपनीज लोग ही समझ सकते हैं. एंड बहुत जोक्स लेम एंड अनफनी भी होते हैं, बट दिस इज नॉट द केस विथ ऑल ऑफ द जोक्स. मैक्सिमम जोक्स मुझे फनी लगे. एजी जोक्स एंड पूप डिक वाले जोक्स बहुत हैं, बट फॉर सम रीजन मुझे जोक्स अच्छे लगे, मोस्टली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स आर बेस्ट इन गिंतामा. गिंतोकी, कागुरा, शिनपची, सदाहारू, कोंदो, हिजिकाता, ताकासुकी, ओकिता, तामा, जूरा, जूरा जानाई, खत्सुरा, सब मस्त. ओताई के अलावा सारे कैरेक्टर्स बढ़िया है. वही है बस एक बेकार एनोइंग कैरेक्टर. कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा उभर के आने वाली चीज़ है गिंतामा में. यू विल रियली लव द कैरेक्टर्स. इसके पीछे का रीज़न है ऑल द गैग वी सी अराउंड देम. इन कैरेक्टर्स की फुद्दू हरकतें इतनी देख ली होती हैं हमने कि बाद में उन्हें सीरियस मोड में देखने में मज़ा आता है. वैसे हैव यू सीन अ शो जहाँ पे वन पीस, ड्रैगन बॉल, नरूटो, ब्लीच, जोजो, डोरेमोन सब होते हैं? गिंतामा इज दैट शो. इसमें तुम्हें सब चीज़ के इतने सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, इवन स्टार वॉर्स का. एक एग्जांपल देना हो तो एक सीन होता है जिसमें गिंतोकी, हमारा मेन कैरेक्टर, भूत के डर से डोरेमोन को ओपनिंग आने लग जाता है. लवाओ. द प्लॉट ऑफ गिंतामा इज ऑसम टू. गिंतामा ऑल दो कॉमेडी एनिमे, बट जब ये सीरियस होता है तब इससे बेटर कुछ नहीं होता है. गिंतोकी के पास्ट और स्ट्रेंथ को इतना हाइप किए थे एनिमे वाले, एंड जब हमें वो देखने मिलता है भाई, इट doesn't लीव यू unsatisfied. गिंतामा में सारे कैरेक्टर्स का इतना प्यारा कैरेक्टर डेवलपमेंट है. प्लॉट प्रोग्रेशन भी काफ़ी बढ़िया है. कुछ ट्विस्ट्स भी हैं शो में विच आर माइंड ब्लोइंग. फाइनल विलन वाला ट्विस्ट, इश भाई, दैट वॉज बेस्ट. OST इज काफ़ी बढ़िया है. एनिमेशन इज ऑल्सो गुड. वॉइस एक्टिंग कमाल की है. काटागोरी का वॉइस एक्टर ने गिंतोकी को वॉइस दिया है, एंड ही अलॉन्ग विथ अदर वॉइस एक्टर्स डिड एन एक्सीलेंट जॉब. एंड आई थिंक मुझे अभी इतनी ही अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं. अब बात करते हैं खराब चीज़ों की ऑफ गिंतामा. फर्स्ट बैड थिंग अबाउट गिंतामा इज इट्स पेसिंग. यस, गिंतामा इज़ वेरी स्लो, स्पेशली स्टार्टिंग में. इसी चीज़ की वजह से मैं इसे एक बार पहले भी ड्रॉप किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि गिंतामा कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में टाइम लेता है. स्टोरी डजेंट मूव दैट मच एंड इट फील्स बोरिंग. विथ टाइम गिंतामा की पेसिंग काफ़ी बेटर हो जाती है, बट इनिशियल स्टेज में पेसिंग इज़ बैड. एक और चीज़ जिसकी वजह से बहुत लोग गिंतामा नहीं देखते हैं वो ये है कि दे डोंट गेट द पॉइंट ऑफ वॉचिंग गिंतामा. शोनन तो है ये, बट इट मोस्टली शोज कॉमेडी, तो व्यूअर्स के स्टार्टिंग में एक ऐसा इंप्रेशन बन जाता है कि गिंतामा इज जस्ट लाइक एन अमेरिकन सिटकॉम जो कि सिर्फ कॉमेडी पे ही ध्यान देता है. और फनी चीज़ है, 12-24 एपिसोड देखी जा सकती है, बट 359 नहीं ना,
राइट. दिस इज अनदर रीजन वाई मैनी पीपल ड्रॉप इट. एंड इसमें गलती व्यूअर्स की नहीं है बल्कि एनमे वालों एंड मांगाका की भी है, क्योंकि बहुत बाद में जाके गिंतामा का सीरियस आर्क दिखता है. एनमे में आई थिंक 57 एपिसोड्स के अराउंड बेनी साकुरा आर्क दिखा था. वहां तक पहुंचना फेल्ट लाइक अ टफ जर्नी. एंड वो आर्क खुद में भी कोई बहुत खास नहीं है. बहुत लोग जो ये बोलते हैं कि 57 एपिसोड्स तक देख लो फिर अच्छा होता है, लेकिन जब 57 एपिसोड्स तक मैं पहुंचा था तब मुझे बेनी साकुरा आर्क भी कोई खास नहीं लगा था. तो आई वॉज लाइक ये ऐसा होने वाला तो मैं नहीं देखने वाला, बट आई केप्ट वॉचिंग. एंड उसका क्या हुआ मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है. गिंतामा का जो पॉइंट है देखने का वो हमें बहुत बाद में देखने मिलता है, बट वहां तक पहुंचते पहुंचते देखने वाला थक जाता है. कॉमेडी भी स्टार्टिंग की कुछ खास नहीं है. विथ टाइम कॉमेडी इंप्रूव होती है एंड अच्छी भी लगने लगती है, क्योंकि हम कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं. बट जब तक कनेक्शन ढंग से नहीं बनता है तब तक कॉमेडी फील्स ब्लैंड. एक चीज़ और जो ख़राब तो नहीं पर थोड़ी सी अनोइंग लगती है वो ये है कि गिंतामा के पहले 201 एपिसोड्स डब्बे वाले रिजोल्यूशन में है. या मेरे पे और कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आई थिंक दैट्स इट. इतने ही प्रॉब्लम्स लगते हैं मुझे इस शो के. नाउ लेट मी टेल यू कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इसे देखते टाइम. For the first 80 episodes, I was really questioning myself ki whether this was worth it or not. Kyunki us time tak I think sirf ek hi serious arc dikha tha, which I didn't enjoy that much. I've seen better arcs than that in other animes. To main doubt kar raha tha ki mujhe dekhna chahiye ki nahi, but then came Yagyu arc. And ye arc mujhe itna zyada pasand aaya tha. For just a second hame Ginto ki serious dikha tha, and that one mere second मेरे लिए इनफ था भाई इस शो को कंटिन्यू करने के लिए. देन कॉमेडी बिकेम बेटर टू दैट. जो स्टैंड वाला आर्क वो भी बढ़िया था. फिर योशीवारा आर्क, भाई क्या बढ़िया था. योशीवारा आर्क वॉज द फर्स्ट आर्क जहाँ पे एक्चुअल सीरियसनेस दिखी थी शो की. न्यू एंटागनिस्ट इंट्रोडक्शन, हमारे मेन कैरेक्टर्स का पोटेंशियल दिखा था. एंड फिर वो मकड़ी वाला सीरियस आर्क दिखा था जो कि और मस्त था. लेकिन इन सबसे बेस्ट मुझे लगा था कोर्टिसन ऑफ योशीवारा आर्क. दिस आर्क वॉज सो फकिंग परफेक्ट. एंड हाँ, जो लोगों ने नहीं देखा है गिंतामा, ये स्पॉयलर्स नहीं है, ठीक है. तुमको नाम से छांटा कुछ स्पॉयलर्स नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता. वन सिटिंग में खत्म किया था मैंने कोर्टिसन ऑफ योशीवारा आर्क, मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड देन केम शोगुन असैसिनेशन आर्क. भाई शोगुन असैसिनेशन आर्क से तो भाई सीरियस आर्क्स का बॉम्बार्डमेंट सा ही हो गया था भाई. वो तो पीक था भाई गिंतामा का. गिंतामा में ना सीरियस एपिसोड 369 में आई थिंक 150 तक ही होंगे, बाकी पूरा ये कॉमेडी पे ध्यान देता है. इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इतना ज़्यादा कॉमेडी देखना एंड जस्ट 150 एपिसोड्स ऑफ सीरियस एपिसोड्स, वॉज इट रियली वर्थ वॉचिंग? येस इट वॉज. मुझे काफ़ी महीने लग गए गिंतामा खत्म करने में, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट. माई फेवरेट आर्क इज फेयरवेल शिनसंगमी आर्क. It was easily the best arc I've ever seen in any manga or anime. Ginto ki as a main character mera favorite ban gaya hai. Is bande ki writing and the way he is so unique than other shonen or even seinen main characters. Ek point par I was really confused ki ye sahi mein shonen anime ka hi protagonist hai na. Baki characters bhi kaafi badhiya and every character except Otae are perfectly written. Gintama gives a lot of attention to their characters and you can clearly see that. एंड यू नो वॉट, अगर मुझे कभी मौका मिला डॉग पालने का तो मैं उसका नाम सदाहारू ही रखने वाला हूँ पक्का. गिंतामा आई थिंक इज दी ओनली शोनन आई एवर सीन जिसमें ना ही कोई पावर सिस्टम है, ना ही कोई कूल अटैक्स है. एक भी अटैक का नाम नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल स्पोर्ट्स से क्या ही नाम वाले अटैक कर लेंगे, राइट. स्टिल इट्स बेस्ट. वॉच आउट थोड़ा सा अलग है गिंतामा का, तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. गिंतामा मेरा फेवरेट एनिमे बन गया है. आई एंजॉयड इट इवन मोर देन जोजो, वन पीस एंड हंटर हंटर. आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच इट. जल्दबाजी में मत देखना क्योंकि बोर हो जाओगे. फिर 3 एपिसोड ही हर दिन देखो, आराम से 3-4 महीना लगा के देखो क्योंकि फिनिश्ड है ये. एंड आई विल टेल यू दिस कि एट द एंड इट विल बी ऑल वर्थ इट फॉर यू. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर टाइम मिले तो जस्ट स्टार्ट गिंतामा, इट विल बिकम योर फेवरेट. एंड अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय. ओ हाँ, लोली कौन जना है फेमिनिस्ट दिस.